वेलकम टू अनप्लग्ड एग्जाम। अब हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है करंट अफेयर्स ट्रैक से। इस सीरीज में हम टॉप 10 क्वेश्चन लाया करेंगे जिस किसी टॉपिक पर, और उन क्वेश्चनों को हम ट्रिक के माध्यम से याद कराएंगे। और आज का टॉपिक है नियुक्ति, और आज हम याद कराएंगे आपको सूचना आयुक्त कौन है, विदेश मंत्रालय का नया प्रवक्ता कौन है, राष्ट्रपति का नया सचिव कौन है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको याद कराएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 29 अप्रैल 2020 को किसने केंद्र सतर्कता आयोग में नए सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण की? इसका आंसर है सी, सुरेश एन पटेल ने। अब इनको याद कैसे करेंगे, इधर देखें आप, सतर्कता यहां से आपको मिल जाएगा सत सात, और इधर से मिलेगा आपको सुरेश सुर, तो हमारे सुर कितने होते हैं सात। इस प्रकार जब भी आपसे सतर्कता आयुक्त के रूप में पूछा जाए तो आपको ऑप्शनों में बड़े ध्यान से देखना है कि सत और सुर आपके कहाँ है, और इनका कार्यकाल 4 वर्ष का होगा या 65 वर्ष की आयु तक। हमारे दो सतर्कता आयुक्त होते हैं जिसमें हमारे पहले हैं सुरेश पटेल और दूसरे हैं शरद कुमार। दूसरा क्वेश्चन है, अप्रैल 2020 में किसने देश के नए मुख्य सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण की? तो ये शपथ ग्रहण की है संजय कोठारी ने। इससे पहले सतर्कता आयुक्त और अब मुख्य सतर्कता आयुक्त। अब इनको याद कैसे करेंगे, यहां से हम पहले की तरह लेंगे सा, और जब भी सतर्कता आयुक्त पूछा जाए तो सात सुर आपको याद रखना है, सात सुर से हमारी बारी सज जाती है। इस सेंटेंस को आपको याद रखना है, तो यहां से आपको लिया जाएगा सात सौ से हमारी बारी सज जाती है, तो आपको यहां से मिल जाएगा सज। इसी प्रकार आपको ये भी याद रखना है। और मुख्य सतर्कता आयुक्त और अन्य सतर्कता आयुक्त प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति जिसमें गृह मंत्री एवं लोकसभा के नेता या उस सदन में सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता शामिल होता है की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं, और इस पद पर यह केवी चौधरी का स्थान लेंगे। और केंद्र सतर्कता आयोग में एक मुख्य सतर्कता आयुक्त और दो सतर्कता आयुक्त होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2020 में केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का नया सचिव नियुक्त किया? इसका आंसर है कपिल देव त्रिपाठी को। अब इसको याद रखेंगे कैसे, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नया सचिव, सचिव की जगह आपको सचिन याद करना है, रामनाथ कोविंद ने नया सचिन नियुक्त किया। अब सचिन से आपको याद होगा कि ये क्रिकेट से संबंधित है, तो यहाँ भी आपको क्रिकेट से संबंधित ढूंढना पड़ेगा कौन है हमारे कपिल देव, ठीक है, इस तरह आपको याद कर लेना है। और ये राष्ट्रपति के कार्यकाल तक उनकी निजी सचिव रहेंगे, और ये उत्तर प्रदेश के प्रयाग जिले से संबंधित हैं, और ये केंद्र सतर्कता आयोग के सचिव भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अप्रैल 2020 में कौन भारतीय अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के बाहरी सलाहकार समूह में शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया है रघुराम राजन को, और इस समूह का गठन, बाहरी सलाहकार समूह का गठन COVID-19 महामारी के कारण उत्पन्न संकट को लेकर उठाए जाने वाले कदमों समेत विश्व भर में हो रहे बदलाव तथा नीतिगत मुद्दों पर अपनी राय IMF का IMF प्रमुख को देने के लिए किया गया है।
जिसमें हमारे भारतीय रघुराम राजन को शामिल किया गया है। अब इसे याद कैसे करेंगे? अब COVID-19 ये एक महामारी है, तो ये एक विपदा ही है अंतर्राष्ट्रीय संसार पर, तो इसे ठीक करने के लिए अब भगवान को जन्म लेना पड़ेगा। ठीक है, अब भारत की तरफ से कौन जाएगा? तो हमारे अब ऑप्शन में आप देखिए कौन है, हमारे राम जी। ठीक है, इसी प्रकार से आप जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो आपको ऑप्शन देख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अप्रैल 2020 में कोरोना को के वैश्विक संकट और ऐसी महामारी के भविष्य में पुनर्वृत्ति को रोकने के उपायों पर किस विश्वविद्यालय में शोध के लिए भारत से महिला IAS अधिकारी डॉक्टर मृणालिनी दसवाल को चुना गया है? तो ये विश्वविद्यालय है हार्वर्ड विश्वविद्यालय। अब इनको याद कैसे करेंगे? जब भी कोई महामारी आएगी उसे हवा बनने से पहले हार्वर्ड, यहां से लेंगे हवा, और उसे हवा बनने से पहले मार देंगे, यहां से आपको होगा मरहानी। इसी तरीका से आपको याद कर लेना है इसे। नेक्स्ट है हमारा, अप्रैल 2020 में किसने विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो इसका आंसर है सी, अनुराग श्रीवास्तव। अब इनको याद कैसे करेंगे? विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता, अब हमारे वक्ता हैं तो ये बोलेंगे भी बहुत, अब ये बोलेंगे तो राग में बोलेंगे, तो यहां से आपको मिल जाएगा राग। ठीक है, इसी तरह इसे भी आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट है हमारे क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने किसे देश का नया वित्त सचिव नियुक्त किया? अभी नियुक्त किया गया है अजय भूषण पांडे को। अब इनको याद करेंगे, केंद्र सरकार ने वित्त मतलब कि रुपयों से संबंधित सचिव नियुक्त किया दिया है। अब इनके पास आ गई है पावर, अब इनको, अब ये हो गए हैं अजय, अब इनको कोई हरा नहीं सकता। ठीक है, तो यहां से आपको अजय मिल जाएगा। इसी तरह आपको जब ऑप्शन में देख लेना है जब भी आपसे नया वित्त सचिव पूछा जाए। ठीक है, और इससे पूरी ये इथोपिया में भारत राजदूत के रूप में कार्यरत थे, और इस पद पर इन्होंने रवीश कुमार जी का स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किसे देश का नया मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया है? इसका आंसर है डी, बिमल जुल्काओ। अब इसको याद कैसे करेंगे? यहां से आपको लेना है बम, यहां से आपको याद दिख रहा होगा। अब बम की सूचना अब पुलिस को न देकर आप सीधे केंद्र सरकार को देंगे। इसी प्रकार आपको याद कर लेना है कि नया मुख्य सूचना है, जब भी आपसे पूछा जाए तो आपको ऑप्शन में देखना है कि सूचना किसकी देनी है, बम की, तो यहाँ आपको विमल जुल्का आपको ऑप्शन में दिख जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार नियुक्त हुए हैं? तो ये नियुक्त हुए हैं अमरजीत सिन्हा और भास्कर खुलवे। अब इनको याद कैसे करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार नियुक्त हुए हैं? तो ये सलाहकार नियुक्त हुए हैं नरेंद्र मोदी के। अब ये नियुक्त क्यों हुए कि जब भी वोट खुले तो नरेंद्र मोदी जीते, इसलिए इन्हें सलाहकार नियुक्त किया गया है। तो यहां से आपको वोट खुलवे, खुलवे से आपको लेंगे खुले, जब भी वोट खुले तो
तो नरेंद्र मोदी जीते, तो यहां से आपको लेना है जीत। इसी तरह आपको जब भी आपके क्वेश्चन पूछा जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार नियुक्त किए गए हैं, तो आपको ऑप्शन में देखना है कि जब भी वोट खुले तो नरेंद्र मोदी जीते, इस प्रकार से आपको याद कर लेना है। और इस पद पर इनका कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किसे केंद्र अपरिक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया? इसका आंसर है ए एम अजीत कुमार को। और इन्हें याद कैसे करेंगे, यहाँ आपसे आपको लेना है कर। अब हम कर क्यों देते हैं, क्योंकि हमारा देश मजबूत हो जिससे कोई उससे देश जीत ना पाए, ठीक है, इसी तरह उससे कोई देश जीत ना पाए, यहाँ आपको मिल जाएगा जीत। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए केंद्र अपरिक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो आपको यहाँ से देखना है कि हमने कर दिया है तो क्यों दिया है, कि जिससे कि हमारा देश मौजूद हो जिससे उससे कोई देश जीत ना पाए, इस तरह आपको ऑप्शन में देखना है। और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और मार्च 2017 में केंद्र सरकार द्वारा केंद्र उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड का नाम बदलकर केंद्र अपरिक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड कर दिया गया था। ये थी टॉप 10 नियुक्ति करंट अफेयर्स। ठीक, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड बाय।